हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नायका के आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं और इसमें काफी शेड अवेलेबल है, लेकिन मैंने यही शेड परचेज किया क्योंकि ये शेड हर ड्रेस के साथ मैच हो सकता है। और मैं आपको भी एडवाइस देना चाहूंगी कि आप ऐसा शेड या परचेज करें जो कि बिगनर्स हैं, वो भी एक ऐसा शेड परचेज करें जो उनके हर ड्रेस के साथ मैच हो सके और उनका जो मेकअप में इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा हो सके। तो सबसे पहले हम नायका के आई शेडो पैलेट की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये ब्लैक शेड एंड एक शीशे की वॉर में आता है, आप देख सकते हैं। एंड इसको ओपन करने का तरीका कुछ इस तरह से सामने से ओपन होता है। एंड फोर शेड अवेलेबल है इसमें, एक शिमरी शेड एंड दो आपके आईब्रो फिलिंग दी हुई है। सबसे पहले मैं आप इसमें चेक करके दिखा रही थी कि ये लाइट ब्राउन है कि ब्राउन है। तो ये आपको सबसे पहले आई शेडो लगाने से पहले अपने बेस को तैयार कर लेना चाहिए, जो आपका आई शेडो बेस है। उसके बाद आप एक अच्छा शेड लेकर एक आईब्रो अपनी फिलिंग करेंगी। जैसे कि अगर आपकी ब्राउन ब्लैक है तो आप उसमें फिलिंग कर लीजिएगा, अपनी आईब्रो को फिलिंग करिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप अपनी आईब्रो को फिल कर लेते हैं तो आप एक शिमी शेड देने के लिए जो आपकी इनर कॉर्नर होती है आपकी आईज की, आप वहां पर एक शेड लाइट शेड अप्लाई करिए जिससे कि वो काफी अच्छा लुक आए। और इसी तरह से जिसकी तरह से वीडियो में दिखाया गया बिल्कुल उसी तरह से अगर आप करते हैं तो भी आप एक अच्छा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एक आईलाइनर लिया है और मैंने जो आपका आई शेडो होता है उसका मैंने लुक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई लाइनर लगाया हुआ है मेबलिन का, जो कि बोल्ड लाइनर है, और इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने जा रही हूँ। ये भी मैंने न्यू ही परचेज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर बोल्ड आई लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ और ये वाटर प्रूफ भी है। यहाँ पे मैंने आईज का लुक देने के लिए क्रिएट किया हुआ है एंड शेडी मैंने यहाँ पर जो पल्स होती हैं उसका भी लुक दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। धीरे धीरे ये आई का लुक आ गया मेरा और ये इसी तरह से आपको सिंपली करना है। यहाँ जहाँ पर पलकों पे मैं पलके बना रही हूँ वहाँ पर मस्कारा लगा सकते हैं, और जब आप मस्कारा लगाएंगे तो आपकी बिल्कुल जो पलके हैं वो इसी तरह से हो जाती हैं। उसके बाद मैंने डार्क शेड इसी पैलेट से लिया हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था, और कुछ इस तरह से आपको टैप टैप करके नीचे की तरफ करना होता है, और जैसे ही आप करेंगे आपका बिल्कुल एक स्मोकी आई मेकअप लुक तैयार हो जाएगा और आप पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये था मेरा एक नायका के आई शेडो के पैलेट से एक आई मेकअप लुक। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। ये था मेरा नायका के साथ एक अच्छा रिव्यू, और मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने जो आई मेकअप बनाया वो इसी पैलेट से बनाया हुआ है। थैंक यू।